दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। दिल्ली एनसीआर की तरह बिहार की राजधानी पटना में भी प्राइवेट सीएनजी से बसों के परिचालन की कार्य शुरू हो गई है। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पटना नगर निगम ने ये फैसला किया है कि जो भी बस पहले डीजल पर चढ़ती थी उसे अब सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसको लेकर परिवहन मंत्री ने ये घोषणा किया है कि जो भी बस मालिक पहले से अपनी बस डीजल पर चलाते हैं वो 7.5 लाख रुपये अनुदान के तहत ले सकते हैं और अपनी बस को सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने क्या कुछ कहा है। एक समय एक मियाद तय की थी कि उसके बाद जो डीजल से चलने वाली जो सार्वजनिक बसें हैं उसको हटा देंगे, आधा वही बिकने को है, लेकिन अभी जो खबर है 80% वाहन जो है वो अब भी डीजल से ही चल रहा है। संभव है कि बीते अगले 45 दिनों में आप ये आपका विभाग इस काम को देखिए, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो जिनका बस यहाँ चल रहा है उसको हम लोग 7.5 लाख तक की राशि दे रहे हैं मदद के तौर पे, ताकि वो ये बस जो पुराने वाला यहाँ से बैठ जाए और सीएनजी में कन्वर्ट किया जाए। तो ये प्रक्रिया चल रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम भी कर लिया है, बहुत लोगों का हो भी गया और आगे होने वाला है, ये बहुत जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। जो पीली बसें हैं उनको भी हटाने के बाद अभी आपको बताया ना कि अभी हम लोग उस पर प्रक्रिया कर रहे हैं, उसका फाइल बढ़ चुका है, आने वाले कुछ दिन में ये तुरंत चालू सब चीज काम शुरू हो जाएगा इसका। मैम, जो सीएनजी के ऑटो चालक है वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो टैंक है उनका सीएनजी का उसमें मात्रा से अधिक भरी जा रही है और उनसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। अगर 4 लीटर का टैंक है तो सीएनजी पंप वाले उसमें 5 लीटर सीएनजी गैस भर रही है, ये आरोप लगातार ऑटो वाले लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो कोई बात ही नहीं है। कहने का मतलब उनका ये है कि टैंक उनका 4 लीटर का है तो 5 लीटर कैसे भरे, वो आरोप लगा रहे हैं। मैम, वो आरोप लगा रहे हैं ऑटो वाले, आरोप लगा रहे हैं। कुछ भी बोले ना, उसको कोई बहाना चाहिए और क्या। जहाँ तहाँ ऑटो या बसें जो है रुक जाती है बीच सड़क पर, कोई स्टैंड नहीं है, ना ही कोई यूनिफॉर्म है उन लोगों को बस चलाने वाले का। नहीं, आपको नहीं पता होगा, यूनिफॉर्म तो है बस वाले, आप देखिए पटना में जो बस चलता है उसका यूनिफॉर्म हमने देखा है, जितने बस में यूनिफॉर्म पहन के ही गाड़ी चलाते हैं। अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो हम इसमें से दिखवा लेते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है, जहां मन वहां से पब्लिक को उठा लिया जाता है। सड़क पे तो कोई बस नहीं लगाता है, हमने भी देखा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह जहां बस लगाने का बना हुआ है वही लगाता है। ऐसा होता नहीं, घूम लीजिएगा पूरे पटना में। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कहीं नहीं घूमते, हम भी पूरे बिहार का दौरा करते रहते हैं, सब जगह देखते हैं, सब नियमों का पालन हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि जो भी बस पहले डीजल पर चलती थी वो सीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए वो 7.5 लाख रुपए दे रही है। साथ ही उनसे जब पूछा गया कि पटना में बस चालक और ऑटो चालक ड्रेस कोड में नहीं रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस चालक और ऑटो चालक ड्रेस कोड में ही हमेशा रहते हैं। साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि पटना में जहां तहां बस रोक दिया जाता है और कहीं से भी पैसेंजर रिसीव कर लिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पटना में जहां तहां बस नहीं रोका जाता है, बस स्टॉपेज पर ही रुकती है, मैं भी बिहार का दौरा करती हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह नियम का पालन किया जाता है। धन्यवाद। बाकी के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।